देखो जरा, ये चैप्टर पहली बार आपको 10th में स्टार्ट होता है, 9th में चैप्टर नहीं, 9th तक आपने ये चैप्टर कभी पहले नहीं पढ़ा है, ठीक है? किससे रिलेटेड है ये चैप्टर? दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स सभी जानते हैं। सपोज ये मेरे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है? क्या है ये? राइट एंगल ट्राइंगल है, करेक्ट। ये एंगल क्या है? 90 डिग्री, राइट। इसे हम कहेंगे राइट एंगल। 90 डिग्री एंगल को क्या कहा जाता है? राइट एंगल, ठीक है। 90 डिग्री एंगल इज, देखो जरा, सो ये एंगल क्या है? 90 डिग्री एंगल है। बच्चों यहां पर मेरे पास दो एंगल और हैं, बी और सी, ठीक है? तो इस चैप्टर में हम इन दोनों एंगल्स पे ज्यादा कंसर्न रखेंगे। राइट एंगल तो हर ट्राइंगल में क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। और बाकी एंगल जो हमारे पास दो एंगल और बचे हैं, बी एंड सी, बाकी की जो दो साइड हैं, राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसको क्या कहते हैं? हाइपोटन्यूज, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटन्यूज, ठीक है? राइट, राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटन्यूज। एंड बाकी की जो दो साइड है उनको क्या कहते हैं? बेस एंड। सो क्या आप बता सकते हैं इनमें कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है? क्या है मतलब? आपने ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ा है? कहां पर पढ़ा? क्लास में हो गया? हाँ बच्चों, किन किन बच्चों को पता है ये बात कि बेस क्या होगा? बेस क्या होगा? ये क्या होगा? ये क्या होगा? किस किस को पता है? क्या किसी को पता है बेस कौन सी साइड? देखो बाकी जो दो साइड है उनमें से एक साइड को हम बेस कहेंगे और एक को क्या कहेंगे? कौन सी साइड बेस होगी और कौन सी परपेंडिकुलर होगी? भाई बताओ, कौन सी साइड बेस है और कौन सी साइड परपेंडिकुलर है? कैसे डिसाइड करेंगे ये? देखो बच्चों, ये बेस और परपेंडिकुलर एंगल्स के अकॉर्डिंग बदलते रहेंगे। क्या होगा? बेस एंड परपेंडिकुलर एंगल्स के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। कैसे? देखो इसी ट्राइंगल में अगर मैं एंगल बी को कंसीडर करके चलता हूं, एंगल बी को कंसीडर करके चलता हूं, तो बी एंगल के लिए, बी वर्टेक्स के लिए, ठीक है, बी वर्टेक्स के लिए, फॉर वर्टेक्स बी, फॉर वर्टेक्स बी, कौन से वर्टेक्स के लिए? बी, बी वर्टेक्स के लिए बी के जो अपोजिट साइड है, बी के अपोजिट साइड कौन सी है? बी के अपोजिट साइड कौन सी है? बी के अपोजिट जो साइड है उसे हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। बी के अपोजिट साइड को, साइड अपोजिट टू बी, साइड अपोजिट टू बी, बी के जो अपोजिट साइड है उसको क्या कहेंगे? साइड अपोजिट टू बी क्या होगी? परपेंडिकुलर, ठीक है? एंड बच्चों जो साइड बी के साथ में है, एडजेसेंट है, साइड एडजेसेंट टू बी, साइड एडजेसेंट टू बी, बी के एडजेसेंट जो साइड है एडजेसेंट टू बी उसे क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। नोट डाउन करो जरा इनको, ठीक है?
नेक्स्ट बच्चों देखो जरा, फॉर वर्टेक्स सी, फॉर वर्टेक्स सी, बच्चों सी के जो अपोजिट साइड है, अब पिछले वाले को भूल जाओ जरा, सी के जो अपोजिट साइड है, सी के अपोजिट साइड, सी के अपोजिट साइड कौन सी होगी बताओ जरा, ए बी, साइड अपोजिट टू सी, साइड अपोजिट टू सी क्या होगी, सी के लिए जो अपोजिट साइड अपोजिट टू सी। एक बात और बच्चों, जैसे यहां पर आपने परपेंडिकुलर लिखा ना, परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, साइड अपोजिट टू बी, तो बी के अपोजिट साइड कौन सी है, एसी, तो एसी परपेंडिकुलर होगी, यहां पर क्या होगी, एसी साइड परपेंडिकुलर होगी। एट साइड एडजेसेंट टू बी, बी के एडजेसेंट साइड कौन सी है यहां पर, ए बी, ठीक है, वो क्या होगी, बेस होगी। समझ आया सबको? अब ये बताओ, साइड अपोजिट टू सी, सी के अपोजिट साइड कौन सी है, कौन सी साइड है बच्चों, ये देखो जरा, सी के अपोजिट साइड ए बी, साइड अपोजिट टू सी, ये क्या है आपका, परपेंडिकुलर, क्या है ये, परपेंडिकुलर, साइड एडजेसेंट टू सी, ये क्या है बताओ जरा, ए सी, और ये ए सी क्या होगी, बेस, ये क्या है, बेस है, करेक्ट। सो बच्चों किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आपको राइट एंगल ट्राइंगल में बेस एंड परपेंडिकुलर आपको ढूंढना आ गया, फाइंड आउट कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाई, सबसे पहले आपको देखना है राइट एंगल कहां पर है, ए बी सी, यहां पर राइट एंगल है, करेक्ट। राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। फॉर एंगल बी, फॉर एंगल बी, एंगल बी के लिए और बी, बी के लिए बताओ मुझे, बी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बी के बिल्कुल अपोजिट देखना है आपको, कहां देखना है, बी के अपोजिट। सो परपेंडिकुलर क्या है बी के लिए, परपेंडिकुलर है एसी, ठीक है। बी के लिए मुझे बेस बताओ, बी के लिए बेस क्या होगा, हाइपोटेन्यूज को तो पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना बच्चों, बी के लिए बेस क्या है, बेस क्या है बताओ, बी के लिए बेस ए बी, वेरी गुड, ठीक है बच्चों। एक ट्राइंगल मैं आपको और देता हूं, ये राइट एंगल है, ठीक है, ए सी बी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, इसी ट्राइंगल में फॉर सी, सी के लिए क्या होगा बताओ जरा, इसी ट्राइंगल में सी के लिए क्या होगा, फॉर सी, फॉर बी परपेंडिकुलर क्या होगा, लिखो, परपेंडिकुलर बी 90 डिग्री है, सॉरी बी 90 डिग्री है बच्चों इस ट्राइंगल में, ए के लिए लिखो परपेंडिकुलर, ए के लिए परपेंडिकुलर लिखो, परपेंडिकुलर क्या है, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर बी सी है, ठीक है। बेस क्या है, बेस क्या है, ए बी, करेक्ट, ठीक है, सबको समझ आ गया ये।
अच्छा फॉर बी, बी नहीं फॉर सी, सी के लिए बताओ जरा, सी के लिए बताओ परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बेस क्या है, बेस क्या है इसके लिए, बी सी, क्लियर है सबको, परपेंडिकुलर और बेस सबको क्लियर है, ठीक है आगे चलते हैं। अब एक नई ट्राइंगल लेते हैं, अब एक नई ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब देखो मैंने ट्राइंगल को बहुत सिंपल बना दिया है बच्चों, फर्स्ट मैं देख रहा हूं एंगल ए के लिए, फर्स्ट मैं देखूंगा एंगल ए के लिए, फॉर ए, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बी सी, क्लियर है सबको, बेस इज इक्वल टू, बेस इज इक्वल टू जो एडजेसेंट होता है वो बेस होता है, हाइपोटन्यूज क्या है, ए सी, क्या ये सबको क्लियर है, ए के लिए जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, बी सी, बेस क्या है, ए बी, ठीक है, हाइपोटन्यूज क्या है, ए सी, क्लियर है सबको ये, ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, बताओ नहीं, अब जो मैं बता रहा हूं आपको याद रखना है, समझना है बच्चों, साइन ए, साइन ऑफ, साइन ए, ये साइन ए क्या है, ये इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, ऐसे तो बेटा तोड़ दोगे इसको आराम से, साइन ए, ये साइन ए होता है बच्चों किसका रेशियो, अब जैसे मैंने बोला ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो दो नंबर्स का रेशियो होता है ये, कौन से दो नंबर्स का रेशियो, दो साइड्स का रेशियो होता है, इनफैक्ट ट्रायंगल की दो साइड्स का रेशियो होता है, कौन से दो साइड, साइन ए होता है बच्चों परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, बच्चों साइन ए क्या होगा, हाँ इन दो साइड्स का रेशियो होगा, ये कौन सी दो साइड्स, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटन्यूज के रेशियो को क्या बोलेंगे, साइन ए। उसके बाद कॉस ए, कॉस ए कौन सी दो साइड्स का रेशियो होगा, बेस, बेस एंड हाइपोटन्यूज, बेस एंड हाइपोटन्यूज, इन दो साइड्स का रेशियो है ये, बस इनको छोड़ दो, बेस एंड हाइपोटन्यूज, इन दो साइड्स का रेशियो है ये, बेस एंड हाइपोटन्यूज। उसके बाद टेंजेंट ए, टेंजेंट ए, ये टेंजेंट ए क्या होगा, परपेंडिकुलर एंड बेस का रेशियो, ठीक है बच्चों, क्या होगा, परपेंडिकुलर एंड बेस का रेशियो, ठीक है। तो बताओ जरा साइन ए किस किस का रेशियो होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटन्यूज का रेशियो होगा, साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटन्यूज का रेशियो है, साइन ए क्या है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटन्यूज का रेशियो है, कॉस ए क्या है, बेस एंड हाइपोटन्यूज का रेशियो है, बेस अपॉन हाइपोटन्यूज है, ठीक है। टेन ए क्या है, परपेंडिकुलर एंड बेस का रेशियो है, ठीक है, राइट बच्चों। एक टर्म और आती है हमारे पास कॉसिकेंट ए, क्या, कॉसेक ए, वैसे पूरा ये कॉसिकेंट होता है, ठीक है, शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं, कॉसेक, कॉसेक ए बच्चों, ये साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, क्या होता है, ठीक है, ओके, ये किसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है, किसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है, ठीक है, कॉसिकेंट ए क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, राइट, रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, इसको लिखेंगे वन अपॉन साइन ए। अच्छा अगर ये वन अपॉन साइन ए हुआ तो अब ये साइड्स की टर्म्स में क्या बनेगा,
जस्ट इसका रेसिप्रोकल हाइपोटन्यूज, हाइपोटन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, करेक्ट। कोसिकेंट क्या होगा? हाइपोटन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद आता है बच्चों सीकेंट ए, सीकेंट ए, ठीक है। ये सीकेंट ए किस किस का रेशियो होता है? हाइपोटन्यूज अपॉन बेस, सीकेंट ए होता है हाइपोटन्यूज अपॉन बेस। ये किसका रेसिप्रोकल होता है? ये कॉस का रेसिप्रोकल है, तो इसको लिखेंगे वन अपॉन कॉस ए। सो वन अपॉन कॉस है तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, यानी कि हाइपोटन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटन्यूज अपॉन बेस। क्लियर हुआ सबको? ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों कोसिकेंट हो गया, सीकेंट हो गया, उसके बाद आता है कॉट ए, कॉट ए, ठीक है। कॉट ए क्या है? ये कोटे होता है बट्टो टेंजेंट का रेसिप्रोकल, टेंजेंट का रेसिप्रोकल, वन अपॉन टेन ए, वन अपॉन टेन ए है, वन अपॉन टेन ए है, ठीक है। तो ये क्या हो जाना चाहिए? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है ये सबको? तो कोसिकेंट क्या होना चाहिए? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये बताओ ये किस किस को याद हुए? शॉर्ट में अगर हम लिखें, लिखो फिर मेरे साथ एक बार, यहां तक सबने लिख लिया, फिर से लिखो मेरे साथ एक बार। साइन ए, साइन ए पी अपॉन एच, साइन ए पी अपॉन एच, साइन ए क्या है? पी अपॉन एच। कॉस ए पी अपॉन, सॉरी बेस अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटन्यूज। टेन ए, टेन ए बताओ, टेन ए पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, ठीक है, पी अपॉन बी। उसके बाद साइन कॉस टेन, कॉट ए, सॉरी कॉट से पहले साइन का रेसिप्रोकल लेते हैं। कॉसिकेंट ए, कॉसिकेंट ए किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉसेक ए, एच अपॉन पी किसका रेसिप्रोकल है? साइन का रेसिप्रोकल है, तो हो जाएगा एच अपॉन पी, ठीक है। सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है? किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी। उसके बाद कॉट ए किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन का, तो ये हो जाएगा बी अपॉन। सबको याद रहेंगे? सबको याद रहेंगे? पक्का? ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। समझे इस चीज को आप? अच्छा, अब ये सब आपको किसके लिए लिखना है? अब ये बताओ आप, जैसे हमने कहा साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, साइन ए क्या कहा हमने? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज होता है, बट मैंने साथ में क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है। तो इस ट्राइंगल में ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है? जो ए के अपोजिट होता है वो ए के लिए क्या है? परपेंडिकुलर है। सो ए के लिए बच्चों आपके पास परपेंडिकुलर क्या है? ए के लिए परपेंडिकुलर आपका बीसी, और ए के लिए बेस आपके पास क्या है? बेस आपके लिए क्या है? ए बी। और हाइपोटन्यूज तो फिक्स होता है बच्चों, वो तो राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा हाइपोटन्यूज होता है। कहां पर होता है हाइपोटन्यूज? राइट एंगल के अपोजिट, राइट एंगल के जो अपोजिट साइड है वो क्या होगी? हाइपोटन्यूज। राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटन्यूज, जो एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं उसके अपोजिट परपेंडिकुलर, जो एंगल हमने कंसीडर किया है उसके एडजेसेंट। फिर से बताओ जो मैंने बोला वो बताओ। राइट एंगल के अपोजिट, सीक्वेंस सुन लेना, राइट एंगल के अपोजिट, जो एंगल हमने कंसीडर किया है उसके अपोजिट
उसके एडजेसेंट। अब आप बताओ इस ट्राइंगल में, मुझे बताओ बच्चों साइन ए क्या आएगा इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, साइन ए क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है बीसी, परपेंडिकुलर क्या है बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है एसी, बीसी अपॉन एसी। ठीक है, क्लियर है सबको? यहां पर बताओ कॉस ए, यहां पर कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है हाइपोटेन्यूज क्या है बेस, बेस इज ए बी, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, करेक्ट। चलो परपेंडिकुलर बी सी, परपेंडिकुलर बी सी, बेस, बेस क्या है अपॉन क्या आएगा इसके ए बी। ठीक है, अब ये आगे वाले बताओ ए सी अपॉन बी सी, ठीक है ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन, ठीक लिखवा रहे हो ना ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। हाँ आगे चलो कॉट ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है बच्चों समझ आया यहां तक आपको? अब ये सब आप मुझे सी के लिए लिख के दिखाएंगे, आपको साइन सी लिखना है, ठीक है, आपको कॉस सी लिखना है, आपको टेंजेंट सी लिखना है, ठीक है। उसके बाद अच्छा उससे पहले आप ये भी लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देन आगे ये लिखेंगे, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। देन आपको कोसिकेंट ए लिखना है, सीकेंट ए लिखना है एंड कॉट ए लिखना है। बताओ बच्चों क्या क्या लिखा आपने, साइन साइन सी क्या लिखा आपने? एक बात बताओ, अब जब सी के लिए करेंगे तो परपेंडिकुलर बेस हमारे बदल जाएंगे, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, ये क्या होगा सी के लिए, क्या होगा सी के लिए, ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, क्या होगी परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस, ठीक है, ये क्या होगा बेस होगा। साइन सी बोलो ए बी अपॉन ए सी, साइन सी क्या है ए बी अपॉन ए सी, ए सी साइन सी है ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। कॉस सी क्या है बी सी अपॉन बी सी अपॉन बी सी अपॉन ए सी, ठीक है, बी सी अपॉन ए सी। टेंजेंट सी क्या होगा ए बी अपॉन बी सी, कॉसिकेंट ए क्या होगा, ए क्यों लिख दिया, ए लिख दिया मैंने ये, अच्छा ये तो वही वाला बन गया है ना। चलो ये सी के लिए और निकाल के दिखाओ फिर, ये तो आपने निकाल ही लिए होंगे, सी के लिए और निकालो कॉसिकेंट सी, सीकेंट सी और कॉट सी, बताओ फिर कॉसिकेंट सी कितना निकाला आपने, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। सीकेंट सी निकालो ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। टेंजेंट सी बताओ बी सी अपॉन ए बी, क्लियर है ये सबको बी सी अपॉन, क्लियर है सबको, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो बच्चों एक्सरसाइज कौन सी स्टार्ट कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 8.1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, आप अपनी बुक में रीड करो जरा, मेरी ओल्ड बुक है और इसमें पेज नंबर 181 है, न्यू बुक में क्या पेज नंबर है 121, न्यू बुक में कितना है 121। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल कौन सी आपकी एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में
ट्राइंगल एबीसी में हम क्या करेंगे? गिवन है क्या हमें ट्राइंगल? गिवन नहीं, हमें खुद बनानी है। तो ठीक है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि ट्राइंगल राइट एंगल कहां पर है। ट्राइंगल का राइट एंगल कहां पर है बच्चों, बताओ? बी पॉइंट पे है। तो सबसे पहले आपको बी बना लेना है, उसके बाद आपको बाकी आप ए और सी कहीं भी बना सकते हैं, ए और सी कहीं भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, ए बी कितनी साइड दी हुई है? ए बी साइड आपको 24 सेंटीमीटर गिवन है। कितनी गिवन है? 24 सेंटीमीटर। बी सी क्या गिवन है बच्चों? बी सी इज 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट साइड कौन सी है? ठीक है, नेक्स्ट साइड हमें नहीं पता। तो सबसे पहले ये बताओ बच्चों कि हम नेक्स्ट साइड कैसे फाइंड करेंगे? यस, पाइथागोरस से। तो जल्दी से पाइथागोरस लगाओ इस पे और मुझे एसी फाइंड करके बताओ। एसी स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ जरा, एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। बताओ एबी स्क्वायर की वैल्यू, बताओ एबी स्क्वायर 24 का स्क्वायर, बीसी स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, बताओ 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, 625 हो गया। बताओ बच्चों 625 किसका स्क्वायर होता है? एसी स्क्वायर इज इक्वल टू 625। बच्चों किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा 6, अगर ये 25 का स्क्वायर है बच्चों तो स्क्वायर से बोथ साइड का स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। एसी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? एसी की वैल्यू आपके पास 25 आएगी। एसी 25 आ गया, अब आप क्या फाइंड करेंगे? एसी आपके पास 25 आ गया, क्या फाइंड करना है अब आपको? ये साइड हमारे पास 25 है, क्वेश्चन में पढ़ो क्या फाइंड करना है? साइन ए एंड कॉस ए, साइन ए, साइन ऑफ ए, बताओ साइन ऑफ ए। साइन ए क्या होता है बच्चों? पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज। बताओ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज कितना होगा? 7 डिवाइडेड बाई, आपको पता है रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, पता है ना? नहीं पता, फर्स्ट टाइम सुना है, तो याद रखो इसको। जब दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो उनका रेशियो आता है, और उस रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, इसीलिए साइन ए की कोई यूनिट नहीं होगी, सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ इसको क्या लिखेंगे? 25 कॉस ए, बताओ जरा कॉस ए, बताओ बच्चों बी अपॉन एच। सो बी अपॉन एच की वैल्यू क्या आई? 24 अपॉन 25। टेंजेंट ए बताओ बच्चों, चलो कोई नहीं, बताओ टेंजेंट ए अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बताओ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है बच्चों 7 अपॉन 24। साइन ए कॉस ए टेंजेंट ए कॉट ए, कॉट ए क्या होता है बच्चों? टेंजेंट का रेसिप्रोकल, यानी कि बी अपॉन, अभी क्या करना है आपको, अभी आपको साथ साथ ही लिखने भी है बी अपॉन पी, पी अपॉन एच, जो भी है तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, बताओ जरा बी अपॉन पी, तो बी अपॉन पी कितना हो गया? 24/7 कॉट ए। सीकेंट ए, सीकेंट ए एच अपॉन, एच अपॉन पी, एच क्या है? एच, एच देखो कितना है, 25 अपॉन पी कितना है? पी बताओ बच्चों 7। कॉसिकेंट ए क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल होता है एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, बताओ क्या होगा? 25 अपॉन सीकेंट ए, आपने गलत बता दिया फिर। यस, ये तो बी होना था, एच बाई बी होता है,
एच बाई बी होता है, ठीक है। सेवन नहीं, यहां पर क्या आएगा, 24 आएगा, ठीक है, और यहां पर 7 आएगा, ठीक है बच्चों। जरा अब आप मुझे जो वैल्यूज आपको मैं दे रहा हूं वो निकाल के बताएंगे। साइन सी आपको फाइंड करना है, कॉस सी फाइंड करना है, टेंजेंट सी फाइंड करना है, कॉट सी फाइंड करना है, सीकेंट सी फाइंड करना है, कॉसिकेंट ऑफ सी फाइंड करना है, ये सब आपको फाइंड करना है, ठीक है बच्चों, ये सब आपको फाइंड करना है। जल्दी से फाइंड करके बताओ मुझे, फिर क्या क्या आए बताओ, बताओ। 24 अपॉन 25, ठीक है। नेक्स्ट 7 अपॉन 25, ये भी ठीक है। 24 अपॉन टेंजेंट सी, 24 अपॉन 7, ये भी ठीक है। कॉट 7 अपॉन 24, ये भी ठीक है। 7/24, ठीक है। नेक्स्ट 25/7, ये आपने फाइंड किया। सीकेंट हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। कॉसिकेंट 25/24, ये भी ठीक है, ठीक है बच्चों। अब आप एक बात और बताओ मुझे, एक बात ध्यान से सुनेंगे जो मैं कह रहा हूं। एक बात बताओ बच्चों, कोई भी ट्राइंगल है, चलो अभी हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही बात कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबको क्लियर है, हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट साइड, और बाकी की दो साइड्स हाइपोटेन्यूज से फिर क्या होंगी, छोटी होंगी, स्मॉलर होंगी, राइट। अदर टू साइड्स विल बी स्मॉलर देन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर ये साइड 25 है तो ऑब्वियसली बात है बाकी दोनों साइड्स क्या होंगी, इससे स्मॉलर होंगी, यानी कि 25 से छोटी है वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जैसे ये अभी प्रेजेंट केस में ये 24 है एंड ये 7 है, आपने साइन ए फाइंड किया, साइन ए फाइंड किया, सो आपने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एक बात बताओ, परपेंडिकुलर छोटा होता है, हाइपोटेन्यूज लॉन्गर होता है, राइट। परपेंडिकुलर स्मॉलर होता है, हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गर, करेक्ट, एग्री। सो ये जो न्यूमरेटर में नंबर है ये स्मॉलर होगा, जैसे कि अभी कितना है 7 है और नीचे कितना है 25, क्लियर है ना ये बात सबको, ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है, तो ये जो वैल्यू है इसको 1 से कंपेयर करके बताओ, क्या ये 1 से बड़ी होगी या 1 से स्मॉलर होगी। ये जो 7/25 वैल्यू है बच्चों, ये 1 से बड़ी होगी या 1 से स्मॉलर होगी, छोटी होगी, कैसे छोटी होगी, कैसे चेक किया आपने, डिवाइड करके देखा, इतना कुछ देखना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। 1 क्या होता है, 1 होता है 1/1, या फिर 1 क्या होता है 2/2, या फिर 1 क्या होता है 3/3, या फिर 1 क्या होता है, मतलब ऊपर न्यूमरेटर में जो नंबर है वही डिनोमिनेटर में वो तब 1 होता है, ठीक है। अगर न्यूमरेटर का नंबर आपका बड़ा हो जाए, ऊपर 2 हो जाए और नीचे 1 हो जाए, तो ये नंबर क्या बन गया, 2, यानी कि 1 से बड़ा। ऊपर का नंबर बिगर लार्जर और नीचे का नंबर स्मॉलर, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, 1 से बड़ी। ऊपर का नंबर लार्जर और नीचे का नंबर स्मॉलर, ये वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी। न्यूमरेटर का नंबर लार्जर और डिनोमिनेटर का नंबर स्मॉलर, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, ग्रेटर देन वन, ठीक है। 5/2, न्यूमरेटर का नंबर आपका 5, डिनोमिनेटर का नंबर आपका 2, ये नंबर क्या कितना हो गया, 2.5, ग्रेटर देन 1,
न्यूमरेटर अगर आपका बड़ा है, क्या है न्यूमरेटर आपका, क्या है ग्रेटर देन वन, न्यूमरेटर आपका ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। सो ये नंबर क्या आएगा, ये नंबर हमारा होगा ग्रेटर देन वन, ठीक है। तो यहां से जो नंबर आएगा वो हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन वन होगा। अगर आपका न्यूमरेटर, चलो इसको छोड़ देते हैं हम, देखो जरा, देखो जरा, अगर मैं ऐसे लिखता 2/4, तो इसकी वैल्यू बताओ आप मुझे, हाफ, हाफ का मतलब 0.5, हाफ का मतलब 0.5, हाफ मतलब 0.5, ठीक है। या मैं लिखता 3/6 या 3/9, 1/3, 1/3 बच्चों बताओ डेसिमल में कितना होता है, 0.33, इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करो, या और भी एग्जांपल आप देख सकते हो, 1/5 या 2/5, बताओ जल्दी बोलो बच्चों, ये इतना बड़ा डिवीजन नहीं है, करने लग गए, 0.4। इन तीनों नंबर्स को ध्यान से देखो, न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, और इन सब की वैल्यू वन से कंपेयर करो, वन से बड़ी है या वन से छोटी है, वन से छोटी है। तो बच्चों जब आपका न्यूमरेटर स्मॉलर हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो जो आपकी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वैल्यू आएगी वो वन से क्या रहेगी, स्मॉलर, ठीक है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो वैल्यू होगी वो आपकी वन से क्या होगी, स्मॉलर होगी, क्लियर है ये चीज सबको, ठीक है। अब इन सारे क्वेश्चंस में ध्यान से देखो बेटा, देखो एक बार इन सभी क्वेश्चंस में ध्यान से देखो, साइन हमने फाइंड किया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन का न्यूमरेटर क्या है, स्मॉलर है, और डिनोमिनेटर क्या है, सर नमस्कार, देख के बताओ बच्चों यहां से मुझे, न्यूमरेटर क्या है 7 और डिनोमिनेटर 25, यानी कि न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन, सो वैल्यू क्या होगी बेटा, न्यूमरेटर इज स्मॉलर, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, सो वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1, अभी तो बताया मैंने 3/4 या 3/4 को छोड़ दो, 1/2, न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0.5 क्या है, 1 के कंपैरिजन में 0.5 क्या है, स्मॉलर देन 1। सो अगर आप भूल जाते हैं तो आप यही एग्जांपल ले लो या कोई और एग्जांपल ले लो, सिंपल एग्जांपल हो, ज्यादा डिफिकल्ट एग्जांपल मत लो, न्यूमरेटर स्मॉलर है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो वैल्यू आपकी 0.5 आ रही है, इस वैल्यू को आप कंपेयर करो 1 से, ये वैल्यू 1 से क्या है, स्मॉलर है। एंड अगर न्यूमरेटर आपका क्या है, न्यूमरेटर आपका बड़ा है, जैसे कि 10 ले लिया आपने, डिनोमिनेटर आपका क्या है, 5, छोटा है, वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1, 1 से कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये रहेगा अब याद। चलो देखो जरा, अब साइन को हमने चेक किया, न्यूमरेटर स्मॉलर है और डिनोमिनेटर ग्रेटर है, ठीक है। और वैसे भी मैंने आपको अभी बताया है कि तीनों साइड्स में से लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड होगी, ठीक है। सो साइन के केस में, साइन के केस में हमेशा डिनोमिनेटर में क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, साइन के केस में डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो साइन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, न्यूमरेटर हमेशा स्मॉलर रहेगा, डिनोमिनेटर ग्रेटर रहेगा, तो ये वैल्यू कंपैरेटिवली 1 के कंपैरिजन में क्या आएगी, हमेशा
स्मॉलर देन, ठीक है। अब जब आप 11th में आएंगे तो आपको एक चीज और सीखनी पड़ेगी कि ये वैल्यू 1 के इक्वल भी होती है। चलो मैं आपको अभी बता देता हूँ, बट वो थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सा केस हो जाता है, यहां पर आपको समझने में दिक्कत आएगी। अगर हमने क्या फाइंड किया, साइन ए, ये एंगल हमारा ए है। अगर बच्चों मैं इस एंगल को यहां पर ले आता हूं, ठीक है, तो ये साइड क्या हो गई, पहले के कंपैरिजन के पहले के हाइपोटेन्यूज को देखो, 25 था, ये साइड ऑब्वियसली इस डिस्टेंस से कम है ना। अगर इसको और आगे ले आते हैं और स्मॉलर होगी, और आगे लेके आते हैं और स्मॉलर होगी, और धीरे धीरे करके ये कहां पर आ जाएगी, बीसी के साथ कॉन्साइड करेगी, कहां पर आ जाएगी, बीसी पे। उस टाइम पे हमारा एंगल ए क्या बनेगा, एंगल ए हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहां पर मान लो ये एंगल कितना था, 30 डिग्री। एंगल का आइडिया तो है ना आपको, जैसे जैसे हम इस तरफ आएंगे ये एंगल क्या हो गया बताओ, इससे ग्रेटर होगा। मैं इसको 60 मान लेता हूं, 60 डिग्री, और थोड़ा सा आगे आएंगे ये 75 हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे इंक्लिनेशन इंक्रीज होगा, एंगल बढ़ेगा ना, ये एंगल क्या है, छोटा है, स्मॉलर है, इंक्लिनेशन बढ़ाओ थोड़ा सा, ये एंगल उस एंगल से ग्रेटर होगा, और इंक्लिनेशन बढ़ाएंगे आप, एंगल और बड़ा होगा। सो धीरे धीरे करके ये एंगल किसको अप्रोच करेगा, ये एंगल 90 डिग्री को अप्रोच करेगा, राइट। और 90 डिग्री के एंगल पे हम जब आएंगे तो ये जो आपका हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज AC, इसके इक्वल हो जाएगा, BC के इक्वल,